आप अगर लैब में देखेंगे तो NaOH सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं उसके, मतलब वो एक व्हाइट कलर का ठोस सॉलिड होता है, और अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो मॉइस्ट हो जाता है, वो गीला गीला सा हो जाता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां जो कोस्टल एरिया है बॉम्बे टाइप्स, तो तुरंत ही गीला हो जाता है। राजस्थान जैसी सूखी जगह भी अगर आप उसे 5 मिनट छोड़ देंगे तो आपको ठीक ठाक मॉइस्ट दिखाई पड़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हवा से मॉइस्चर खींच लेता है। क्यों होता है ऐसा? पहली बात तो ये कि आपके पास है Na+ और OH-। क्या आप देख सकते हैं कि OH- बहुत ही बढ़िया वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है किसके साथ? पानी के साथ। जब दोनों में से किसी के पास -1 चार्ज आ जाता है तो इससे बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी नहीं होती। तो बहुत ही अल्टीमेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बहुत ही बढ़िया वाली है ना। तो अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते पुकार पुकार के हवा में जो मॉलिक्यूल तैर भी रहे होते हैं उनको बुला लेता है कि आ जाओ मेरे पास ही आ जाओ। इतना पानी पीता है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड बन जाता है। मतलब एक तो ये होता है कि सॉलिड हल्का सा गीला हो गया, जैसे बिस्किट कभी कभी सील जाते हैं ना, वो इतना पानी पी लेता है कि बकायदा आप देखते हो तैरने लगता है, पूरा लिक्विड बन जाता है और उसी पानी में वो घुल जाता है। कौन? NaOH।